हे हाय एवरीवन, दिस इज अमन दुबेदी। तो आज की इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं यूपीसीटी काउंसलिंग 2021 की। काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी और उसे कल अचानक पोस्टपोन कर दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा, क्या ऑफिशियल अपडेट है इस पे, इन पे सारी बातें करेंगे। लेकिन जो कल आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी AKTU की तरफ से, वो यही दी थी कुछ एरर आने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद कल शाम को AKTU के जो प्रवक्ता थे आशीष मिश्रा जी, उन्होंने आई थिंक मीडिया से बात किया और उन्होंने कई सारी बातें बताई इसके बिहाइंड क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से इसे पोस्टपोन करने की ज़रूरत पड़ी। तो आज हम आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे और आपको इसका क्या आगे हो सकता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो यार वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा कंटिन्यू देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार बात ऐसी थी कि जो मीडिया ने उनसे सवाल किए AKTU के जो प्रवक्ता थे आशीष मिश्रा जी से, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ, उन्होंने यार बताया कि कुछ मेरिट लिस्ट में एरर आने की वजह से AKTU की जो काउंसलिंग है उसे क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये बात NTA को इन्फॉर्म कर दी गई है कि इस काउंसलिंग कुछ मेरिट लिस्ट में एरर थी। और एरर क्या थी यार, कि इसमें कुछ ऐसी एरर थी कि जैसे एक रैंक पे दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे थे और कुछ अदर एरर्स भी इसमें कंसीडर की गई थी। ठीक है, तो इस बात को NTA को इन्फॉर्म कर दिया है AKTU ने और काउंसलिंग को उसी टाइम उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। अब बात आती है भाई भैया कि जो स्टूडेंट अब आगे क्या किया जाएगा, आगे यार इस पर एक चेक किया जाएगा, इस सारी प्रोसेस को चेक किया जाएगा, फिर से नई मेरिट लिस्ट NTA की तरफ से आएगी UPCT के लिए। और उसके बाद उनमें जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन ले चुके हैं, कुछ लोगों ने फ्रीज करके अपना पैसा पे कर दिया होगा, कुछ लोगों ने फ्लॉट करके पैसा पे कर रखा होगा, तो जो भी अब नई मेरिट लिस्ट आएगी उनमें जो स्टूडेंट क्लियर पाए जाएंगे, सही पाए जाएंगे, उनको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। यार देखो, जो बच्चे एलिजिबल होंगे, जो लीगल्स होंगे, उनको सीटें अलॉट की जाएंगी। जो अनलीगल पाए जाएंगे उन्हें क्या किया जाएगा, उनकी जो एडमिशन फ्रीज या फ्रॉड करके ले चुके होंगे उसे रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जो भी आपके पेमेंट किए होंगे फ्रीज फ्रॉड करके, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर आपको सीट नहीं मिलेगी तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यार जो आपने पेमेंट कर दिए वो फंसने वाली है। नहीं, अगर आपको सीट मिल जाएगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं मिली तो फिर दोबारा तो आपको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। सेकेंड बात यार, जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है भैया, ये काउंसलिंग अब कब से शुरू होगी और क्या क्या चेंजेस इसमें देखने को मिल जाएंगे। यार इसमें बहुत बड़ा एक तरीके से देखो स्कैम हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ यार। अब इस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, कितना जल्दी लिया जाएगा, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है मिनिमम थ्री डेज का टाइम लगेगा इस पर कोई क्लियर डिसीजन आने में। ठीक है, उसके बाद ही इसमें कुछ क्लियरिफिकेशन आएगा और देन उसके बाद आगे क्या होगी वो प्रोसेस शुरू होंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल यार परेशान मत होइए। अगर आप किसी अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, बाकी इस काउंसलिंग में अब डिले होने वाला है भाई, तो इसके लिए थोड़ा सा आप मान सकते हो। बाकी यार अपने फिर कहा कि जो अदर काउंसलिंग कर रहे हो वो उसमें फोकस करो। ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो और इस पर जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, इसी के साथ चलते हैं यार फिर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।